हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो पितृ पक्ष के ऊपर है। आज का वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पितृ पक्ष क्यों मनाया जाता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है और इस पक्ष में हम लोगों को क्या करना चाहिए। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू विल गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग माई लेटेस्ट अपडेट्स। चलिए देखते हैं पितृपक्ष क्या है। देखिए, जो लूनार मंथ होता है ये दो टाइप का होता है, पहला है शुक्ल अंत एंड दूसरा है कृष्ण अंत। शुक्ल अंत में पूर्णिमा मंथ का एंड होता है एंड कृष्ण अंत में अमावस्या मंथ का एंड होता है। तो दोज हु आर फॉलोइंग कृष्ण अंत, उन लोगों के लिए भाद्र मास में, भाद्र का जो महीना है उसका कृष्ण पक्ष को जो अमावस्या होता है उसको सर्व पितृ अमावस्या बोलते हैं। एंड ये जो पितृ पक्ष भाद्र मास का सेकेंड हाफ को मनाया जाता है। बट दोज हु आर फॉलोइंग पूर्णिमा अंत, दिस पितृपक्ष इज कमिंग इन द मंथ ऑफ आश्विन एंड आश्विन मास का जो कृष्ण पक्ष है उसको हम पितृपक्ष बोलते हैं। एंड इट इज बिलीव दैट ड्यूरिंग दिस टाइम आवर एंसेस्टर्स आर कमिंग टू अर्थ टू सी आवर वेलनेस एंड दे विल कंटिन्यू टू स्टे विथ अस टिल दीपावली अमावस्या। तो आप देखिए, इट इज बिलीव्ड इन आवर हिंदू सिस्टम व्हेन समवन डाइज ही विल गो टू पितृलोक एंड ही विल कंटिन्यू टू स्टे इन द पितृलोक, पितृलोक में वो रहेगा फॉर द 3 generations बिफोर ही इज गोइंग टू द हेवन। पितृलोक क्या है, जिसको हम बोलते हैं यमलोक। यमलोक में हमारा एंसेस्टर, आई मीन टू से द 3 generations फ्रॉम आज आर स्टेइंग इन द पितृलोक। एंड मान लीजिए नेक्स्ट जनरेशन आएगा तो टॉप पहला वाला जनरेशन जो यमलोक में होगा दे विल गो इन टू द हेवन। तो 3 generations आर ऑलवेज देन इन द पितृलोक एंड इन द मंथ ऑफ पितृपक्ष और इन द मंथ ऑफ आश्विन दे विल कम टू द अर्थ टू सी अवर वेलनेस। देखिए, अगर पुराणों को इससे जोड़ा जाए तो आप देखोगे महाभारत के टाइम में कर्ण एक योद्धा था। जब उसका देहांत हुआ ही विल गो इन टू द पितृलोक एंड इन दैट लोक ही गेट द ज्वेल्स एंड डायमंड, सोना, ये सब चीज उसको खाने के लिए मिला। हम लोग सब जानते हैं कर्ण एक बड़ा दानी था। बट व्हेन ही आस्क यम अबाउट व्हाई ही इज गेटिंग दिस सॉर्ट ऑफ फूड एट दैट टाइम, यम टोल्ड दैट ही इज नेवर गिवन फूड टू द एंसेस्टर्स, फॉर दैट ही इज गेटिंग दिस एज हिज फूड। तो कर्ण बोला ही डज नॉट नो हिज एंसेस्टर्स, सो हाउ ही विल गिव फूड टू द एंसेस्टर। सो यम अलाउड हिम टू कम टू द अर्थ, यम अलाउड कर्ण तुम धरती में जा सकते हो एंड अपीज योर एंसेस्टर, गिव फूड टू योर एंसेस्टर। So during these 15 days Karna come to the earth and give food to the ancestors. That is the reason why we are celebrating this age
पितृपक्ष, आप देखिए अगर किसी के चार्ट में पितृ दोष है, सो दिस इज द राइट टाइम वेयर ही कैन एबल टू प्लीज द पितृज। जो ये पितृपक्ष पक्ष का जो महीना है, इसको इंडिया में बहुत जगह पर बहुत टाइप से बोलते हैं, जैसे ओडिशा में उसको अपर पक्ष बोलते हैं, कहीं पर उसको महालया अमावस्या बोलते हैं, कहीं पर उसको महालया बोलते हैं, बट एट द एंड जब ये जो 15 डेज का लास्ट डेट होता है अमावस्या, उसको सर्व पितृ अमावस्या बोलते हैं। मान लीजिए आपको पता नहीं है आपका एंसेस्टर में किसी को जो फाइनल राइट्स ठीक से उनका मनाया गया है या नहीं गया है, तो आपको क्या करना है एट द एंड ऑफ दिस 15 डेज इन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सर्व पितृ अमावस्या, यू नीड टू अपीज देम टू गेट देयर ब्लेसिंग। बट थ्रू आउट दिस 15 डेज यू कैन एबल टू डू सर्टेन रिचुअल्स, जिसको बोलते हैं तर्पण, टू प्लीज द एंसेस्टर्स। व्हाट वी कैन डू, व्हाट वी कैन डू ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, द फर्स्ट थिंग वी कैन डू इज टू गिव फूड टू द नीडी पीपुल्स। वी कैन गिव फूड टू द एनिमल्स, वी कैन गिव फूड टू द क्रोस। सेकेंड थिंग आपको क्या करना है ना, ड्यूरिंग दिस 15 डेज यू नीड टू रिमेंबर योर एंसेस्टर्स, यू नीड टू रिमेंबर द ग्रेट एंसेस्टर, बिकॉज ऑफ देम यू आर हियर, बिकॉज यू आर इन द लीनेज ऑफ दोज एंसेस्टर्स। सो अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो उसको आपका एंसेस्टर के बारे में बताइए, वो कैसे थे, आपका लीनेज कैसे मूव हुआ है। ट्राई टू कनेक्ट दोज पॉइंट विद द किड्स, बिकॉज द किड्स आर गोइंग टू कैरी द एंसेस्टर, कैरी द लीनेज अहेड, सो दे मस्ट नीड टू नो अबाउट देयर एंसेस्टर्स। थर्ड चीज आपको क्या करना है, ड्यूरिंग दिस 15 डेज यू नीड टू डू गायत्री रेगुलरली, ट्राई टू डू द गायत्री मंत्र जाप रेगुलरली, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। रेगुलरली आप कोशिश कीजिए मॉर्निंग में 108 टाइम्स करने के लिए, इवनिंग में यू कैन ऑल्सो डू दिस। अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं देन यू नीड टू गिव सम वाटर टू द प्लांट्स एंड रिमेंबर योर एंसेस्टर्स। श्राद्ध जो हम करते हैं सर्व पितृ अमावस्या के दिन, श्राद्ध इज नथिंग बट योर श्रद्धा। यू नीड टू शो योर श्रद्धा टू योर एंसेस्टर्स। मान लीजिए अगर किसी के चार्ट में पितृदोष है, पितृदोष कैसे पता चलेगा चार्ट में है या नहीं, आप चार्ट देखने की जरूरत नहीं है। अगर किसी फैमिली में अगर देखते हैं दे आर नॉट एबल टू एंजॉय, दे आर नॉट हैप्पी, देन डेफिनेटली देर इज सम कर्स ऑफ द पितृस आर देर इन देयर हॉरोस्कोप। सो दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द राइट 15 डेज वेयर दे कैन प्लीज देयर एंसेस्टर्स, दे कैन रिमेंबर देयर ग्रेट एंसेस्टर्स, दे कैन शो देयर श्रद्धा टुवर्ड्स द एंसेस्टर्स। ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड यू कैन ऑल्सो, जैसे कि पीपल के ट्री में पानी देना है, वहां पर दिया जलाना है, यू कैन डू दोज रिचुअल्स। बट द मेन थिंग इज दैट
ड्यूरिंग दिस 15 डेज यू नीड टू शो योर श्रद्धा, यू नीड टू शो योर हैप्पीनेस दैट यू आर बिलोंग टू ए पर्टिकुलर लीनेज. यू मस्ट, आप देखिए आपके घर में बच्चा है, देन यू नीड डेफिनेटली टेल एवरीथिंग अबाउट योर लीनेज टू द किड, सो दैट वो उसको कैसे पता चलेगा कि उसका ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर क्या है. आपको ही बताना है. फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट पितृपक्ष. होप यू लाइक दिस वीडियो. डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.